बड़ी खबर, महाराष्ट्र के पुणे शहर से महिला नगर सेविका के साथ हुआ दुष्कर्म। पुणे में दोस्ती के दौरान खींची गई तस्वीरों को फैलाने की धमकी देकर पूर्व नगर सेविका से किया दुष्कर्म। आरोपी सचिन के खिलाफ पार्वती थाना में मामला दर्ज कर किया गया गिरफ्तार। विद्या का घर और शांतिपूर्ण शहर कहे जाने वाले पुणे शहर में अपराध की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में पुणे में कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो गया है। जहां एक तरफ पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पुणे में दोस्ती के दौरान खींची गई तस्वीरों को फैलाने की धमकी देकर एक पूर्व नगर सेविका से दुष्कर्म किया गया है। इस संबंध में पार्वती थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपी का नाम सचिन है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से शहर में काफी सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी और पीड़ित पूर्व पार्षद के बीच दोस्ताना संबंध थे। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर उसने फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने की धमकी दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने फोटो तुम्हारे पति को दिखाने की धमकी देकर पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस प्रकार की शुरुआत 2017 से हुई। इस बीच पुलिस जांच में यह भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आरोपियों ने पीड़ित को धमकी देकर 10 लाख रुपए ऐंट लिए। इस बीच आरोपी द्वारा बार बार यौन शोषण से तंग आकर पीड़िता पार्षद पुलिस के पास पहुंची। इस मामले में पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने सचिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है।